मेरा हेयर कट और एक जेसीबी, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर एक कनेक्शन है। लेकिन ये बताने से पहले आपको जानना होगा कि एक जेसीबी काम कैसे करती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिम के बिल्स में, और आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, जिस मशीन को हम जेसीबी बोलते हैं वो एक्चुअली एक एक्सकेवेटर है। जेसीबी तो एक्चुअली कंपनी का नाम है। ओके, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो एक जेसीबी के आर्म्स के मूवमेंट के लिए जो मेन टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है हाइड्रोलिक्स। लेकिन हाइड्रोलिक्स है क्या? सिंपल वर्ड में बोले तो हाइड्रोलिक्स वो टेक्नोलॉजी है जो लिक्विड के प्रेशर के ऊपर काम करती है। अब जब हम हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं तो जो मेन प्रिंसिपल है वो है पास्कल्स लॉ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा कुछ बनाया है। यहाँ पे मैंने दो सीरिंज लिया है जिसको एक पाइप की मदद से मैंने कनेक्ट किया है, और इनको मैंने फिल किया है पानी से। जनरली हाइड्रोलिक्स में ऑयल का यूज किया जाता है, मैंने पानी यूज किया है। बस कॉन्सेप्ट ही तो समझना है अपने को, कौन सा पावर खोदना है। एनीवे, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोले तो पास्कल्स लॉ बताती है कि जब एक एनक्लोज्ड अनकंप्रेसिबल लिक्विड के एक पार्ट पे एक प्रेशर दिया जाता है तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होता है। अब चलिए इसको इसके मदद से समझते हैं। तो जब मैं इस सीरिंज में ये प्रेशर डालता हूँ तो ये प्रेशर पास्कल्स लॉ के हिसाब से इक्वली इस पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होता है। अब क्योंकि इस सीरिंज के अंदर भी ये लिक्विड बंद है और ये जो पाइप है इसमें से भी लिक्विड बाहर नहीं आ सकती, तो फिर वो प्रेशर जाएगा कहाँ? उसका एक ही ऑप्शन है कि इस दूसरे एंड पे जो सीरिंज है वहाँ से वो प्रेशर बाहर आने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरह से। सिमिलरली जब हम ये वाला सीरिंज को प्रेस करेंगे तो ये पहला वाला सीरिंज ऊपर जाएगा। तो सिंपल सिंपल वे में देखा जाए तो यही बेसिक फंडा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो मैंने एक सीरिंज से दूसरे सीरिंज को मूव किया, लेकिन एक जेसीबी में या फिर एक एक्सकेवेटर में आर्म्स को मूव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होता है, तो दूसरे एंड पे इतने ताकत से कौन प्रेस कर पाएगा? लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है क्योंकि एक एक्सकेवेटर में ऐसे डायरेक्टली चीज़ें कनेक्टेड नहीं रहती। वहाँ पर होता यह है कि आर्म के साथ कुछ इसी तरह का पिस्टन कनेक्टेड रहता है और दूसरी साइड में दूसरा पिस्टन नहीं रहता, वहां पे रहता है एक पंप। अब जो पंप होता है वो थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर डालता जाता है और वो सारा प्रेशर मिलके आर्म को मूव करती है। तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होके पिस्टन में इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि बड़े बड़े चट्टानों को भी उठा सकती है या फिर जमीन को भी काट सकती है। अब एक और बात कि जब हम इस साइड में प्रेस कर रहे हैं तो ये साइड ऊपर जा रहा है, तो एक्सकेवेटर की आर्म तो ओपन हो गई, अब लेकिन बंद कैसे करेंगे? तो इसीलिए वहां पे होता यह है कि ऊपर और नीचे दो पाइप्स रहती है जो पंप के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब आर्म को ओपन करना होता है तो नीचे वाली पाइप से लिक्विड एंटर होती है और ऊपर वाली पाइप से लिक्विड बाहर जाती है। तो इधर से प्रेशर अप्लाई होता है और आर्म का पिस्टन ऊपर जाता है। सिमिलरली जब हमें पिस्टन को नीचे करना होता है तो टॉप एंड वाली पाइप से प्रेशर इनपुट होता है और नीचे वाली पाइप से बाहर जाता है। इसी तरह एक एक्सकेवेटर का आर्म ओपन भी होता है या फिर बंद भी होता है। तो यही बेसिक सा फंडा है हाइड्रोलिक्स का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में कि एक एक्सकेवेटर और मेरे हेयर कट का कनेक्शन क्या है। अब इतनी देर रुक ही गए तो थोड़ा और रुक जाइए और हम बनाते एक मशीन। पूरा प्रोसेस दिखा के मैं बोर नहीं करूंगा, फटाफट से देख लेते। चलिए तो मेरा आर्म बन के रेडी है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैंने यही सिरिंजेज यूज किया है और जो प्रेशर इनमें मैं अप्लाई करूंगा वो इन पाइप्स के थ्रू होते हुए
दूसरे आर्म तक पहुंचेगी। तो जो भी प्रेशर मैं इस आर्म में डालूंगा वो सेम प्रेशर उस आर्म तक पहुंचेगी, और इस आर्म में मैं जैसे मूवमेंट करूंगा वो सेम मूवमेंट उस आर्म में भी होगी। अभी आप देख सकते हैं कि इस आर्म में मैं मूवमेंट कर रहा हूं और वो सेम मूवमेंट उस आर्म तक पहुंच रही है। अब इसी का यूज़ करके हम एक हेयर कट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं वो कैसा होता है। तो ये जो आर्म है ये काम करती है हाइड्रोलिक्स पे, और एक जेसीबी या एक्सकेवेटर भी हाइड्रोलिक्स का ही यूज़ करती है, और मैं इन्हीं आर्म से अपना हेयर कट करने वाला हूँ। तो हाइड्रोलिक्स ही वो कनेक्शन है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब देखिए बात ऐसा है कि ये मशीन मैंने बनाया था हाइड्रोलिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो इसका मेन काम बाल काटना नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि एक ट्राई क्यों ना किया जाए। तो ये बहुत ही स्लो है तो मैं बहुत ही स्लो स्लो काट रहा हूँ, क्योंकि फास्ट करने के चक्कर में बाद में ऐसा ना हो कि बाल ही टकले गड़ाने पड़े, इसीलिए इससे अच्छा है कि मैं धीरे धीरे करूं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आगे जाके मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड आर्म बनाऊंगा जो इस काम के लिए सही रहेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे ट्रिम करते 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 फाइनली हेयर कट हो गया है कंप्लीट, और मेरे बाल टकले करवाने की भी नौबत नहीं आई। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में आगे भी लेके आने वाला हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।